हे दोस्तों, आपको कबड्डी का एंकल होल्ड का मास्टर पता ही है सुरेंद्र नाडा, पर वो कितने हार्ड वर्क करते हैं इसलिए वो तगड़े एंकल होल्ड करते हैं। वैसे मेरा फेवरेट एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट महाराष्ट्र का शुभम शिंदे। आओ मैं आपको एंकल होल्ड के बारे बताता हूँ। एंकल होल्ड कब करना चाहिए? जब कोई राइडर आपके कॉर्नर पर बार बार बोनस डाल रहा है तो कोच आपको शाबाश की नहीं देंगे, इसलिए दोस्त अंकल और ज्यादातर राइडर बोनस डालते वक्त करना चाहिए। और अंकल लोड करने के लिए डिफेंडर को रीडर के साथ आई कांटेक्ट, मतलब आंखों में देखकर रीडर की अगली चाल क्या है वह जानना चाहिए। और जब भी डिफेंडर एंकल होल्ड का प्रयास करे तब ग्रिप तगड़ा होना चाहिए, जो कि रीडर कितना भी जोर लगा है पर भी छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, कई रीडर चालाकी से खेलते हैं, वो डिफेंडर को चखमा देने के लिए डमी बोनस का प्रयास करते हैं और डिफेंडर थोड़ी भी गलती करे तो तुरंत निकल जाते हैं। इसमें डिफेंस टीम का लॉस बहुत होता है क्योंकि अंकल होल्ड करने वाले प्लेयर के साथ दूसरे डिफेंडर भी टैकल में शामिल होते हैं और दूसरे टीम को मल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। एंकल होल्ड सुपर टैकल सिचुएशन में बहुत काम ही पड़ता है। सुपर टैकल में एंकल होल्ड पे रेडर को रुकाया तो उसको तगड़ा एंकल होल्ड बोलना चाहिए। डाइव एंकल होल्ड ये भी एक इसका प्रकार है। इसमें डिफेंडर का ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो रेडर को आसानी से टैकल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो आपकी टीम के रेडर के साथ जरूर शेयर करना, और आपका फेवरेट रेडर कौन है ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड स्पेशल थैंक यू टू युवा कबड्डी सीरीज, आप इसी तरह से ग्रास रूट प्लेयर्स को स्टेज देते रहेंगे यही हम आशा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।